नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपनी बीएससी पार्ट सेकंड प्रकाशी की लेक्चर सीरीज में अपन विपथन के बारे में पढ़ रहे थे। एबरेशन क्या होता है छात्रों? विपथन लेंस में एक प्रकार का दोष होता है। क्या दोष है, क्या डिफेक्ट है? लेंस के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल वैसे ही मिलनी चाहिए जैसा वो ऑब्जेक्ट है। माने कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हमें उसकी पॉइंट इमेज ही मिलनी चाहिए। अगर वो कलर्ड ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज हमने को कलर्ड मिलनी चाहिए। परंतु किसी भी लेंस से ऐसा आइडियल कंडीशन प्राप्त नहीं होती। हर एक लेंस के अंदर कुछ न कुछ दोष होता है, डिफेक्ट होता है। इन डिफेक्ट्स को अपथन, इन डिफेक्ट्स को हम विपथन या एबरेशन कहते हैं। इनमें से एक प्रकार का जो दोष है अपन ने देखा था वो है वर्ण विपथन, क्रोमेटिक एबरेशन। हमारे पास एक लेंस है, इसके ऊपर किसी बीम से, ऑब्जेक्ट से वाइट लाइट आ रही है। अब हम अपने को एक आइडियल कंडीशन के अंदर जो हमें इमेज मिलनी चाहिए वो हमें वाइट मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जैसे ही लेंस के ऊपर लाइट आती है, जो लेंस है ये प्रिज्म की तरह काम करता है, मतलब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो अपने को अब जो इमेज मिल रही है व्हाइट लाइट की, वो कलर्ड पैचेस की फॉर्म में मिल रही है। तो लेंस के अंदर ये जो दोष है, इस दोष को हम वर्ण विपथन या क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। अब मुझे इस दोष को, क्रोमेटिक एबरेशन के दोष को हटाना है, कम करना है। कम क्यों कह रही हूं? किसी भी लेंस के अंदर अगर दोष होता है तो हम उसको पूरी तरह हटा नहीं सकते, उस दोष को हम कम कर सकते हैं। अब हम लेंस के इस दोष को कम करना चाहते हैं। यह दोष कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दो या दो से ज्यादा लेंसों का संयोजन काम में लेंगे। इस संयोजन को, कॉम्बिनेशन को हम अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस कहते हैं, लेंसों का अवर्णिक संयोजन। हम ये जो दो लेंस लेंगे काम में, हम पहले तो उनको लेंगे एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए, अर्थात वह लेंस जो है उनके बीच की दूरी हम शून्य के बराबर मानेंगे। और दूसरी परिस्थिति में हम मानेंगे कि इन दोनों लेंसों के बीच की एक निश्चित दूरी है। तो हम हमारे दोष को कम करने के लिए लेंसों का अवर्णिक संयोजन काम में ले रहे हैं, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम यूज कर रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो हम ले रहे हैं, जब हम हमारे जो दो लेंस ले रहे हैं उनको हम बिल्कुल साथ में ले रहे हैं, अर्थात जो लेंस है अपने पतले लेंस वो हम संस्पर्शी समाक्ष पतले लेंस काम में ले रहे हैं। मैंने जो दो लेंस काम में लिए हैं उनकी मुख्य अक्ष एक दूसरे के ऊपर संपाती हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो रही है। अब मुझे किसी भी लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र पता है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2।
यहाँ पर म्यू उस लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, आर वन और आर टू लेंस की वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मैं क्या कर रही हूं, ये जो मेरा इक्वेशन है इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ। डिफरेंशिएट करने पर फोकस दूरी का जो अंतर है वो मान रही हूँ df और अपवर्तनांक का अंतर मान रही हूँ ड्यू म्यू के बराबर। तो डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस df अपॉन f स्क्वायर डी म्यू, ये राशि जो है 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ये कॉन्स्टेंट है तो ये मेरी एज इट इज आ गई। अब इक्वेशन 1 से 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रही हूँ, तो वैल्यू रख दें, ये क्या आ जाएगा, माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन एफ, ये मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर का। अब जो भी मेरे पास लेंस है उसकी विक्षेपण क्षमता डिस्पर्सिव पावर ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ओमेगा वी माइनस ओमेगा आर अपॉन ओमेगा माइनस 1, वॉयलेट की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रेड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के लिए, अंतर को क्या लिखा है डी म्यू, तो ये क्या आ गया माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, इसको अपन ने क्या निकाल लिया, डिस्पर्सिव पावर अपॉन एफ के बराबर। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जिसको हम आगे भी काम में लेंगे, माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर बराबर ओमेगा अपॉन एफ। अब मुझे दो पतले लेंस काम में लेने हैं, मैं मान रही हूं ये जो दो पतले लेंस हैं इनकी फोकस दूरियां F1 और F2 है। अब इनकी तुल्य फोकस दूरी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मान मैंने कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो दोनों लेंस हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मेरे पास ऐसी स्थिति के अंदर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। इसको डिफरेंशिएट करूं तो माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर अपॉन कैपिटल एफ स्क्वायर, यहां पर भी इसी तरह ये डिफरेंशियल आ जाएगा, और समीकरण 4 का जो कि हमने अभी निकाला है इसका उपयोग करके हम इस एक्सप्रेशन को ओमेगा की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो माइनस डी एफ अपॉन एफ वन की जगह आ गया ओमेगा 1 अपॉन एफ वन, इसी तरह यहाँ ओमेगा 2 अपॉन F2। अब मुझे लेंस में से दोष हटाना है, अगर किसी भी लेंस के अंदर दोष है तो हर रंग के लिए फोकस दूरी अलग होगी, परंतु अगर मेरे पास उस लेंस के अंदर दोष नहीं है तो प्रत्येक रंग के लिए एक ही फोकस बिंदु होना चाहिए, फोकल पॉइंट ऑफ ऑल कलर्स शुड बी सेम If there is no defect in the lens, तो हम यहाँ पर DF को 0 रखेंगे, ये मानते हुए कि मेरे लेंस के अंदर कोई भी दोष नहीं है। तो DF 0 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? F1 upon F2 बराबर minus omega 1 upon omega 2। यहाँ negative sign का क्या meaning है? Negative sign ये बता रहा है कि हमारे जो दोनों लेंस हैं वो अपोजिट नेचर के हैं, अर्थात एक लेंस अगर कनकेव है तो दूसरा लेंस मेरे पास कन्वेक्स होना चाहिए, और उनके बीच की दूरी 0 है तो उस लेंस को कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, एक लेंस कन्वेक्स लिया है तो दूसरा मैंने कनकेव लिया है, फोकल लेंथ है F1 F2 और डिस्पर्सिव पावर मेरी मानी हुई है ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो अगर हम दो लेंस लेते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 0 है तो मेरे पास अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन आनी चाहिए F1 अपॉन F2 का मान आना चाहिए माइनस
ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू के बराबर। अब इस कंडीशन में तो हमने लिया था कि जब दोनों लेंस उनके बीच में दूरी शून्य थी। अब मैं ऐसे दो पतले लेंस लूंगी जिनके बीच में हम एक निश्चित दूरी रखेंगे। That means we are using a chromatic combination of two thin lenses which are placed at a finite distance. तो ये आवरणिक संयोजन के लिए मैं जो दो पतले लेंस काम में ले रही हूं उनकी फोकस दूरियां फोकल लेंथ ली है मैंने F1 और F2। इनके बीच की दूरी मानी है D डैश। अब ये जो दो लेंस काम में लिए हैं ये मेरे को HGL हैं, समाक्षीय लेंस मैंने लिए हैं, मतलब इनकी प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है। तो ऐसे दो लेंस के लिए मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है। मैं मान रही हूं कि तुल्य फोकस दूरी कैपिटल F के बराबर ली है। तो क्या आएगा सूत्र, 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D डैश अपॉन F1 F2। इसको डिफरेंशिएट कर दूं, यहां से आ जाएगा क्योंकि F नीचे है तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस DF अपॉन F2। इसी तरह आगे राइट हैंड साइड भी आ जाएगी। ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल, सेकंड टर्म, यहां पर मेरे पास दूरी हमने निश्चित ली है तो D डैश मेरे पास कांस्टेंट है, तो मेरे पास बाकी दो टर्म्स रह गई 1 अपॉन F1 और 1 अपॉन F2। यहां इन दो टर्म्स का ये मेरे पास डिफरेंशियल आ रहा है। हमने एक महत्वपूर्ण समीकरण निकाला था, इक्वेशन 4 से रिप्रेजेंट किया था ऊपर, वो मैंने यहां वापस लिखा है। इस इक्वेशन को मैं यहां पर यूज कर रही हूं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 अपॉन F1, यहां ओमेगा 2 अपॉन F2, डी डैश दूरी कांस्टेंट है जिसको मैंने दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, और ओमेगा की टर्म्स में ये दो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ रहे हैं। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है, आवरणिक अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हमने लिया है, तो एक बिंदु के ऊपर फोकस होना चाहिए, तो उसके लिए DF का मान क्या आ गया, 0 के बराबर। तो DF बराबर मैं रखूंगी 0, तो 0 रखने पर स्थिति क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हल करने पर दोनों हमारे जो लेंस हैं उनके बीच की दूरी का मान इस सूत्र से दिया जाना चाहिए। अब अगर मैं मानूं ये जो दो लेंस हमने लिए हैं इनके बीच की दूरी 0 के बराबर है, तो दूरी क्या हो गई, D डैश बराबर 0। तो यहां से F1 अपॉन F2 कितना आना चाहिए, माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, और अभी अपन ने यही सूत्र पहले ज्ञात किया था, F1 अपॉन F2 बराबर माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, जब दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0 हमने मानी है और दोनों लेंस हमारे ऋणात्मक चिन्ह है अतः विपरीत प्रकृति के होंगे। अब लेंसों के बीच की जब दूरी D डैश है तो हमने यहाँ पर सिद्ध किया है कि आवरणिक कॉम्बिनेशन के लिए, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए दूरी का हमारे पास ये सूत्र होना चाहिए। अगर मैं मानूं कि मेरे ये जो दोनों लेंस मैंने काम में लिए हैं इनके पदार्थ जो है, इनका जो मटेरियल है वो सेम है, अगर सेम है तो ओमेगा क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे, डिस्पर्सिव पावर बराबर होगी, तो ओमेगा 1 बराबर मैं ओमेगा 2 रख रही हूं, तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 रख दें, तो डी डैश का क्या सूत्र आ गया, ओमेगा 1 F2 ओमेगा 2 F1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ये सूत्र था, ओमेगा 1 की जगह ओमेगा 2 रख दूं तो दूरी का क्या सूत्र आ जाएगा, D डैश बराबर F1 प्लस F2 अपॉन 2।
तो यहां से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे पास अगर दो लेंस हैं जो कि एक निश्चित दूरी के ऊपर स्थित हैं और उन लेंसों के लिए जो दूरी का मान होना चाहिए वह उनकी फोकस दूरी के माध्य के बराबर होनी चाहिए. दैट मीन्स फॉर एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस वी आर यूजिंग टू लेंसेस ऑफ सेम मटेरियल. दैट मीन्स ओमेगा सेम, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेस शुड बी द मीन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द टू थिन लेंसेस यूज्ड. तो हमने हमारे क्रोमेटिक एबरेशन वर्ण विपथन के दोष को कम किया है. पहली स्थिति के अंदर तो हम जब कंडीशन ले रहे हैं दो लेंस हम लेंगे जो कि एक निश्चित दूरी के ऊपर अगर हम काम में ले रहे हैं तो उसके लिए हमने कंडीशन निकाली है कि फोकस दूरियों का अनुपात बराबर होना चाहिए उनके डिस्पर्सिव पावर की रेशियो के बराबर होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन में हमने निकाला है कि अगर हम लेंस ले रहे हैं जो कि एक निश्चित दूरी के ऊपर स्थित हैं तो दूरी का मान हमारे पास आना चाहिए उनकी फोकस दूरी के माध्य के बराबर. तो हमारे पास अगर किसी भी लेंस में दोष है तो हम उस दोष को कम करने की विधियां अपना सकते हैं परंतु उस दोष को हम पूरी तरह हटा नहीं सकते. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग.